dear students, asalamu As alaikum. i hope you all are fit at your place. Uh, today we are going to discuss a new topic in this chapter, uh, division readiness, and that to topic is equal grouping. dear students, we have read about the equal sharing means um, to share equally when we share things equally. that's called equal sharing. now is equal grouping. equal grouping means when we group equally. when we put things

ग्रुप्स बनाते हैं सेम नंबर के या सेम चीज़ों के दैट्स कॉल्ड इक्वल ग्रुपिंग यानी कि जब हम हर एक ग्रुप में सेम नंबर्स या सेम चीज़ें रखते हैं ओके आई एस समझ नाओ विल डिस्कस दिस एग्जांपल व्हिच इज़ ऑन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड एटी एट अमृत हैज़ ट्वेंटी गोल्ड फिश ही वॉन्ट्स टू पुट फाइव फिश इन ईच बॉल हाउ मैनी बॉल्स विल ही नीड ओके अमृत जो है उसके पास कितने गोल्ड फिश है ट्वेंटी गोल्ड फिश ठीक है नाउ ही वांट्स टू पुट फाइव फिश इन ईच बॉल वो फाइव फाइव फिश को एक साथ रखना चाहता है एक बाउल में ठीक है हाउ मनी बाउल्स विल ही नीड उसे कितने बॉल्स चाहिए ठीक है तो इसने जो ग्रुपिंग की है वो इस तरह से की है ही फर्स्ट पुट फाइव फिश इन वन बाउल ओके उसने एक बाउल में कितनी फिश रख रखे फ़ाइव रखे ठीक है यानी कि अगर वो अगर उसके पास टोटल में ट्वेंटी गोल्ड फिश हैं ठीक है तो उसने उसमें से फाइव एक बॉल में रख दिए ठीक है फाइव बॉल में रख दिए और उसने क्या देखा कि मुझे आ, अभी भी बहुत सारे फिश जो है बाकी है ठीक है तो जैसे उसने ट्वेंटी में से फाइव एक बॉल में रख दिए तो पीछे कितने रह गए फिफ्टीन रह गए है ना तो उसने क्या किया उसने एक और बॉल लाई और उसमें भी पांच गोल्ड फिश रख दिए एंड ही फाइंड दैट सम फिश स्टिल लेफ्ट है ना तो अब कितने रह गए उसके पास टेन रह गए तो उसने फाइव उसमें से एक और बॉल में रख दिए ठीक है तो अब इसके पास कितने रह गए पाँच तो पाँच उसने फिर एक और बाउल में रख दिए तो इस तरह इसने अपनी गोल्ड फिश जो है उनकी ग्रुपिंग की है बट इन इक्वल नंबर्स है ना जैसे आ, इस बॉल में भी फाइव रखे इसमें भी फाइव इसमें भी फाइव इसमें भी फाइव इट मींस इक्वल ग्रुपिंग है ना तो ये बॉल है इसमें भी फाइव है हर एक बॉल में फाइव फाइव गोल्ड फिश है तो अब इसकी आ, ये इसको कितने बॉल्स लगे इन गोल्ड फिश को रखने में वन टू थ्री फोर अमृत ने हम लिखेंगे अमृत नीड्स फोर बॉल्स टू कीप ऑल द फिश ओके तो इस तरह हम इक्वल ग्रुपिंग करते हैं ठीक है नाउ वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइज एंड दैट्स एक्सरसाइज फोर्टीन बी एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज सर्कल इन इक्वल ग्रुप ग्रुप्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी ग्रुप्स ठीक है तो हमें क्या करना है सर्कल करना है हम, ग्रुप्स बना जब हम ग्रुप्स बनाएंगे तो उनको हम सर्कल से इंडिकेट करेंगे ठीक है आ, तो आ, पहला जो पार्ट है मेक ग्रुप्स ऑफ थ्री यानी कि हमें तीन के ग्रुप बनाने हैं ग्रुप्स ऑफ थ्री यानी कि एक ग्रुप में हमें कितने रखने हैं थ्री जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टारफिश है तो हम एक एक ग्रुप मैं कितने स्टार फिश रखने हैं थ्री ये वही से कहता है मेक ग्रुप्स ऑफ थ्री यानी कि वी नीड टू मेक ग्रुप ऑफ थ्री स्टार फिश ओके सो वन टू थ्री वी विल सर्कल एम ओके तो एक ग्रुप बन गया वन टू थ्री अनदर ग्रुप वन टू थ्री थर्ड ग्रुप वन टू एंड थ्री तो जैसे क्वेश्चन में था में ग्रुप्स ऑफ थ्री तो हमने ग्रुप्स ऑफ थ्री बनाए ठीक है यानी कि हमने एक ग्रुप में तीन तीन स्टार फिशेज़ रखे हैं थ्री स्टार स्टारफिशेस का हमें एक ग्रुप बनाना था तो हमने वो बना दिया अब हमें देखना है कि जब हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टूवेल्व ट्वेल्व के ग्रुप्स बनाने होंगे आ, थ्री थ्री के ग्रुप्स बनाने होंगे तो वो कितने ग्रुप्स बनेंगे ट्वेल्व पुट इन टू ग्रुप्स ऑफ थ्री गिव्स कितने ग्रुप्स वन टू थ्री एंड फोर ग्रुप्स है ना वेरी गुड तो पार्ट बी है मे ग्रुप ऑफ ग्रुप्स ऑफ फोर तो अब हमें कितने का ग्रुप बनाना है फोर का ग्रुप बनाना है यानी कि वी आर टू पुट फोर फिश फोर डॉल्फिन्स इन वन ग्रुप वन टू थ्री फोर वी विल पुट सर्कल ऑन दीज फोर डोल्फिन नाउ अनदर फोर वन टू थ्री एंड फोर एट पुट इंटू ग्रूप्स ऑफ फोर गिवस डैश ग्रुप्स तो जब हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डाल्फिन्स या एट को हम चार यानि कि एट को हम ग्रुप्स बनाते हैं चार चार के ग्रुप्स बनाते हैं तो वो कितने ग्रुप्स बनते हैं तो आप देख सकते हैं दिस इज वन ग्रुप एंड दिस इज़ द सेकंड ग्रुप तो कितने ग्रुप्स बनते हैं टू ग्रुप्स हो तो बनते हैं एट पुट इन टू ग्रुप्स ऑफ फोर गिव्स टू ग्रुप्स ओके एग्जांपल में ग्रुप्स ऑफ फाइव तो अब हमें क्या करना है हमें फाइव का ग्रुप बनाना है वन टू थ्री फोर एंड फाइव इट मीन्स वी हैव टू पोट फाइव फिश और फाइव थिंग्स इन वन ग्रुप वन टू थ्री फोर फाइव काउंट अनदर नेक्स्ट फाइव टू मेक अनदर ग्रुप वन टू थ्री फोर एंड फाइव ओके नेक्स्ट फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव ओके तो कितने ग्रुप्स बन गए वन टू एंड थ्री इट मीन्स फिफ्टीन पुट इन ग्रुप्स ऑफ फाइव गिवस डैश ग्रुप्स तो कितने ग्रुप्स इसने दिए हमें वन टू वन थ्री वेरी गुड अनदर एग्जाम्पल मे ग्रुप्स ऑफ टू अब हमें कितने का ग्रुप्स बनाना है टू का ग्रुप्स बनाना है यानी कि वी नीड टू पुट टू इनटू वन ग्रुप वन टू है ना वन टू तो बन गए एक ग्रुप वन टू अनदर ग्रुप वन टू अनदर ग्रुप वन टू अनदर ग्रुप वन टू तो टोटल so, में कितने ग्रुप्स बने वन टू थ्री फोर एंड फाइव दैट मीन्स टेन पुट इन टू ग्रुप्स ऑफ टू गिव्स डैश ग्रुप जब हम टेन को दो दो में ग्रुप्स बनाते हैं तो वो कितने ग्रुप्स बनते हैं टोटल में वन टू थ्री फोर एंड फाइव ग्रुप्स ओके नाउ मेक ग्रुप ऑफ फोर य स्टूडेंट्स ये आप खुद करेंगे ठीक है हमें क्या करना है ग्रुप कितने का बनाना है फोर का बनाना है ठीक है जैसे वन टू थ्री फोर फिर नेक्स्ट फोर फिर नेक्स्ट फोर एंड फिर नेक्स्ट फोर एट लास्ट में नीड टू सी हाउ मनी ग्रुप्स विल मेड ओके चलो ये आपकी होमवर्क है ठीक है तो अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कह सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ इनफ फॉर टू लेक्चर मिलते हैं लेक्ट, नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए हाफिज़